क्लैश स्क्वाड रैंक में पहले होता था कि हम लोग हीरोइक तक ही जा सकते थे, पर अब जो नया अपडेट आने वाला है, नया सीजन आने वाला है क्लैश स्क्वाड रैंक मोड का, तो इसमें आप लोग अब ग्रैंड मास्टर जा पाओगे। और ये बैटल रॉयल में हम लोग देखे वेंडिंग मशीन का, जिसमें हम लोग टोकन से एक्सचेंज करते थे गन्स वगैरह, तो इसमें काफ़ी सारे अटैचमेंट बढ़ा दिए हैं, जैसे रिपेयर किट पहले शायद से नहीं होता था, तो अब रिपेयर किट्स आएंगे। और जो ये लिमिटेड रहते थे कि ग्लोबल इतना ही लेना है, तो अब ग्लोबल ज़्यादा ले सकोगे आप भी वेंडिंग मशीन से। और बहुत सारे चीज़ लिमिट होते थे, ग्लोबल ग्रेनेड, तो अब आप लोग को ये लिमिट हटा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और रिवाइवल पॉइंट की बात करें तो गाइस काफ़ी सारे बंदे लोग को दिमाग में हुआ कि क्या इस बार रिवाइवल पॉइंट हटेगा रहेगा, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिवाइवल पॉइंट रहेगा, रिवाइवल पॉइंट बिल्कुल रहेगा। पहले क्या होता था कि हम लोग रिवाइवल पॉइंट 14 सेकंड में अपने टीममेट को रिवाइव कर देते थे रिवाइवल पॉइंट से, अब वहीं पर आपको 33 सेकंड लगेंगे। और रिवाइवल पॉइंट कोल्ड डाउन होने में आपको पहले 150 सेकंड लगता था, अब 180 सेकंड लगेंगे। बस यही चेंजेस आए हैं रिवाइवल पॉइंट्स में, बाकी सब ठीक है गाइस। और नीचे हम लोग बात करें ट्रेनिंग ग्राउंड की, तो 1v1 एयरशिप पे कुछ नया आया है, और चैट इमोजी के थ्रू हम लोग ट्रेनिंग में चैट कर सकते हैं प्लेयर्स के साथ। और ये बम्पर्स कार्स ट्रेनिंग में एक नया कार आया है गाइस, मैप एंड मिनी गेम अपडेट में आप लोग देख सकते हो, सब इसी के बारे में है। और पेट रंबल गाइस एक नया, जो पहले आप लोग पेट रंबल का कस्टमर चला था वह परमानेंट आ गया है मिनी ट्रैप में, पेट रंबल सिर्फ पेट से खेलना होगा अपने। तो गाइस और न्यू मिनी गेम्स काफ़ी सारे आ गए हैं, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ पजल टाइप के। और यहाँ गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी वाली अपडेट आई है, ये नया गन आया है मिनी UZI गाइस, पता नहीं ये तो गन चलाने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। और गाइस एडजस्टमेंट किया गया, मतलब काफ़ी सारे गन्स को ऐड किया गया है क्लैश स्क्वाड रैंक में, क्लैश स्क्वाड में M197 गन को ऐड किया गया है, और कॉड गन को, और कार 98 और M60 को ऐड किया गया है। और नया गाइस नया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक नया ग्रेनेड आप लोग को देखने को मिलेगा अपडेट के बाद, इसका जो डैमेज है 100 का डैमेज देगा, और जो एक्सप्लोजन रेडियस 5 मीटर गाइस, जैसे अलोक सर्किल में घूमता था ये, जब ग्रेनेड फेंकेंगे तो 5 मीटर के कवर में जितने सारे बंदे होंगे वो सब पे डैमेज पड़ेगा। और ये देख सकते हैं हम लोग न्यू वेपन जो आया है मिनी UZI, इसका डैमेज 17, कोड वगैरह ये सब गन आप लोग देख सकते हो। और M60 भी ऐड कर दिया गया है, कार 98 भी ऐड कर दिया गया है। एंड गेम प्ले एंड सिस्टम की बात करें हम लोग, तो गाइज यहाँ पर ग्रेनेड स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं, जैसे ग्लोबल और ग्रेनेड का जहाँ पर सेटिंग रहता था वहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं काफ़ी सारे ग्रेनेड्स वेरेंट्स का जो वो रहता था। और पिन फंक्शन ऑप्टिमाइज्ड गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले भी था अभी भी है, और क्विक कमांड्स ये भी पहले था और अभी अपडेट के बाद भी रहेगा, ये जो क्विक कमांड्स जैसे हम लोग बोलते थे गुड्जो वगैरह कुछ है। और ये वही है गेम वॉइस कमांड। और करेक्टर नया पेट आया गाइज, तो करेक्टर की हम लोग बात कर ले तो न्यू करेक्टर आया DB। और गाइज ये करेक्टर का एबिलिटी ये है कि जब आप चलते चलते, मतलब मूविंग करते करते आप गन चलाओगे तो आपका स्पीड इंक्रीज कर देगा और एक्यूरेसी इंक्रीज कर देगा, स्पीड आपको 15% तक बढ़ा देगा और एक्यूरेसी 35% बस। और एक नया पेट आया है जिसको हम लोग डॉक्टर बुला सकते हैं। और गाइज इस पेट का ये एबिलिटी है कि जब भी हम क्रॉस पोजिशन में, जैसे कि बैठकर जो चलते हैं ना बैठकर, वैसे में आप चलोगे तो आपको मूवमेंट को 60% बढ़ा देगा। और पलोमा जो करेक्टर था उसमें भी चेंजेज आए हैं आप लोग देख सकते हो, 180 120 गाइज इसमें कम कर दिए गए हैं। क्लू जो करेक्टर था गाइज इसका भी स्कैन रेडियस बंदे को, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर तक ही स्कैन कर पाता था, पर अब नए अपडेट में आपको 75 मीटर रेडियस के अराउंड में जितने भी बंदे रहेंगे सबको ये स्कैन करके आपको बता देगा। और गाइज एक और नया करेक्टर है लौरा, ये इस करेक्टर में एक्यूरेसी बढ़ा दिया गया है, लौरा जो करेक्टर इसमें भी एक्यूरेसी प्लस 30% ही होता था, 35% कर दिया गया है, और बाकी ऑप्टिमाइजेशन एंड बग्स फिक्सेस। तो गाइज पहले वो सब बहुत सारे फ्री फायर में ग्लिचेज वगैरह सुधारने की अगले अपडेट में कोशिश है पूरी, गाइज हम लोग देखेंगे क्या सच में ये सब बग्स हटते हैं या नहीं।